है वो 0.2 सेंस कर रहा है चार्जिंग के लिए, और जैसे ही मैं बैटरी डाल रहा हूँ यहाँ पे 1.8। ठीक है, अभी बात करते हैं इसका जो बूटिंग का। तो बूटिंग के लिए मैं यहाँ पे डीसी लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डीसी लगाता हूँ और आप मशीन मार्क करिए। यहाँ पे एक बार मैं कनेक्टर लगा देता हूँ और मशीन में अब मार्क करिए बूटिंग के लिए। तो यहाँ पे वही 6767 का करंट है। ओके, छोड़ दिया 0.0। वापस से यहाँ पे देखिए, जैसे पावर बटन प्रेस करता हूँ, अभी फ़िलहाल वहाँ पे 0.0 है, जैसे पावर बटन प्रेस करता हूँ ये 0.8। ओके, चलिए इसी को आज हम रिपेयर करेंगे, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ से है। जी आर चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो DMDP का जो जी आर है DMDP फिलहाल मुझे शॉर्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि DMDP दोनों शॉर्ट आ रहा है। फोर फिफ्टी वन हंड्रेड समथिंग ये शॉर्ट आ रहा है, सही है। तो इस बोर्ड में फ़िलहाल मुझे DMDP शॉर्ट मिला और ये जो बक कॉइल है वो शॉर्ट आ रहा है। तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले DMDP तो शॉर्ट है ही और साथ में सेकेंडरी भी शॉर्ट है। तो एक बार बक कॉइल को हम निकालते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि शॉर्टिंग है किस साइड। नहीं, पावर आईसी पे किसी ने काम नहीं किया है और पावर आईसी के साथ ही शॉर्टिंग भी नहीं है। शॉर्टिंग है हमारी वो CPU का साइड है। ठीक है, कॉइल को वापस हटा लेंगे। यहाँ पे CPU को निकालना पड़ेगा। रीज़न ये है कि DMDP शॉर्ट आ रहा है और DMDP के साथ में एक बक कॉइल भी शॉर्ट आ रहा है।
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
यहाँ पे मैंने बोर्ड से सीपीयू को तो निकाल लिया, बट अभी तक रीडिंग नहीं चेक करा। चलिए एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। और जो सबसे पहले बफर शॉर्ट आ रहा था, वो बफर कंडीशन देखेंगे। ये बफर था, यहाँ पे 416 रीडिंग कितनी है, 416-417 समथिंग। ओके ठीक है। और DMDP जो शॉर्ट आ रहा था, वो DMDP का एक बार देख लेते हैं। तो DMDP पे यहाँ पे ओयल आ गया, DMDP पे यहाँ पे ओयल है। और ठीक है, रीडिंग तो सही हो गया और यहाँ पे भी रीडिंग सही हो गया। AudioJungle. AudioJungle. AudioJungle.
Audio Jungle. ये बोर्ड का जो सीपीयू है वो शॉर्ट हो चुका है, एक क्लियर है। तो एक बार मैं वापस सब पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो DMDB का शॉर्टिंग तो हट गया, बट ये जो बक कॉइल का शॉर्टिंग था वो वापस से आ गया। 002 001 यहाँ पे आप देख सकते हो। और बाकी के बक कॉइल जो हैं वो ठीक हैं, रीडिंग सही है इनका। तो यहाँ पे वक वाला अभी भी शॉर्ट आ रहा है, तो ये सीपीयू नहीं चलेगा, हमें सीपीयू दूसरा डाल कर एक बार देखना पड़ेगा। चलिए वापस से निकालते हैं। फिलहाल मेरे पास दूसरा सीपीयू है जिसका सेम नंबर है, और इसको एक बार डाल के देखते हैं बोर्ड में। मैंने इसको ऑलरेडी रिवॉल्व करके रखा हुआ था, तो मैं इसको लगा देता हूँ जस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी रिवॉल्व है, बस लगाना है इसमें। चलिए मेरा सीपीयू डाल लेते हैं और इसको बिठा कर देखते हैं। और इसका नंबर भी 67 62 भी है, बट नीचे के जो वर्जन है वो अलग है। Audio Jungle. जो बक कॉइल हमारा शॉर्ट आ रहा था, बक कॉइल पे एक बार नज़र मारे तो यहाँ पे 22 है, तो शॉर्टिंग तो हट चुका है। एक बार पावर ऑन करके देखते हैं। ये हीटिंग है बोर्ड, तो उसकी वजह से ये लो इन्फिडेंस दिखा रहा है। 25 26
27, ठीक है, एक बार असेंबल करके देखते हैं। AudioJungle. AudioJungle. नहीं, ये बोर्ड टोटल ऑन नहीं होगा, रीस्टार्ट कर रहे। चलिए, थैंक यू। एनमी डेटा इज करप्टेड का मैसेज भी आ गया क्योंकि हमने सीपीयू दूसरा चेंज किया। यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो एनमी डेटा इज करप्टेड। बोर्ड वही है, आप एक बार कंफर्म करो जिस पर हमने काम करा। AudioJungle. AudioJungle.
Audio Jungle.